पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कितने लोग किलेपाल अस्पताल आए हैं कभी बीमार हो गए? अस्पताल वाले हाथ ऊपर करो, सब लगाते हो। कितने लोग आए ठीक है। तो आपके सामने प्रोजेक्टर में आ गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई मतलब संडे का इतिहास बना रहे हम लोग। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को लगा बताना चाहिए, अधिक जानकारी मेरे टोल फ्री नंबर 104 से संपर्क करें। ठीक है, ये एक जन आरोग्य नंबर होता है, कभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कुछ भी हो रहा है तो समझ नहीं आ रहा क्या इसके बाद क्या किया जाए, ये हेल्पलाइन नंबर है 104, इसको नोट करके रखो, कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकता है ना। मोबाइल में आकर भी सेव करके रखो और रहता भी है मोबाइल, जैसे पुलिस का 100 नंबर होता है ना, वो विश्वास का होता है जन आरोग्य नंबर। ठीक है, इसमें आप शिकायत भी कर सकते हो, कहीं पे गए हो सरकारी अस्पताल कहीं पे भी गए हो कोई अच्छे से नहीं देख रहा है उसको शिकायत भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला नंबर जरूरी है, तो ये वाला स्लाइड दिखाने का यही था। फिर उसके ऊपर देखोगे मतलब वाटर वॉट वायरल हेपेटाइटिस एंड ब्लड वॉट, मैंने बोला था कि पांच टाइप का होता है हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। ठीक है, उसमें लिखा है वाटर वॉट में ए और ई लिखा है। ठीक है, तो ए और ई वाटर वॉट लिखा है, जो 12th वाले जो बायो वाले हैं नीट देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को भी नोट करके रखिए, आपके नीट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वाटर वॉट कौन सा होता है, ब्लड वॉट कौन सा होता है, जब समझ रहे हैं ना, वाटर मतलब पानी से हो रहा है, ब्लड मतलब संक्रमित रक्त चढ़ाने से हो रहा है, तो डी जो है हमारा संक्रमित रक्त चढ़ाने से हो रहा है। ठीक है, अब पावर पॉइंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये वो मैं पावर पॉइंट देख रहा हूं। अगला ठीक है, तो आपके सामने वर्ड आ रहा है हेपेटाइटिस, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, कभी भी हाइटिस आता है ना लास्ट में है ना, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो हेपेटाइटिस हाइटिस आ रहा है लास्ट में इन्फ्लेमेशन, जैसे हेपेटाइटिस आ रहा है तो लीवर के लिए होता है। ठीक है मतलब लीवर के लिए यूज करते हैं अपन, लीवर के जैसे अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नॉर्मल शब्द यूज नहीं करते, हेपेटिक लीवर के लिए होता है, हार्ट के लिए कार्डियक होता है, किडनी के लिए रिनल यूज होता है। ठीक है, पीलिया आते सुने हो ना, हां वो पीलिया भी कहीं लीवर में ही होता है, और पीलिया का ही एक ब्रॉड रूप है मतलब बड़ा वाला रूप है, पहले पीलिया होगा तो ज्यादातर चांसेस है कि उसको हेपेटाइटिस होने का। ठीक है, जैसे हम अर्थराइटिस सुने, ठीक है, जहां जहां आइटिस होता है, मेरा कहने का मतलब यह है वो इन्फ्लामेशन को शो करता है, ये आपके काम आएगा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्लाइड में वही दिया पांच प्रकार के होते हैं ए बी सी डी ई, वो आपको बता दिया कि ए और ई वाटर बॉर्न होते हैं, बाकी सारा ब्लड बॉर्न होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस के प्रकार, इसमें हेपेटाइटिस ए के सामने लिखा है डब्ल्यू एच ओ लिखा है, डब्ल्यू एच ओ के बारे में पता है, फुल फॉर्म पता है किसी को, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं पता, ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको काम आएगा इसलिए आपको बताया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, वो उसी बार अगला बोल। ठीक है, ई हो गया एक्यूट, इसमें एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस वर्ड लिखा है, उतना काम का नहीं है, एक्यूट मतलब 6 हफ्ता के पहले जो 6 हफ्ता तक जो सिम्टम दिखाएगा उसको एक्यूट बोलेंगे, क्रोनिक जो 6 हफ्ता के बाद भी सिम्टम दिखाएगा उसको क्रोनिक बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई भी इन्फेक्शन लीवर को इन्वॉल्व करेगा, हमारा लीवर है ना, तो उससे जॉन्डिस होता है। ठीक है, जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, आंख हमारा